दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट है। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर कई संवेदनशील ऐसे इलाके जहां पर सुरक्षा को ज्यादा कड़ा किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और फिलहाल ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि लखनऊ, रामपुर, अलीगढ़ और साथ ही बरेली की है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मौके पर पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी हिंसक झड़प ना हो, कहीं पर भी तनाव की स्थिति ना बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल ये कोशिश यहां पर कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिख रही है। तो चार तस्वीरें आपके सामने हैं और इन चार तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी और ज्यादा यहां पर कड़ी कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जब हिंसा हुई थी और उसके बाद जब स्थिति काबू में नहीं आई तीन दिन तक, तो उस दौरान पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि आखिरकार मौके पर ही मोर्चे को क्यों नहीं संभाला गया। और ऐसे में आज ये चुनौती बनी, बड़ी घड़ी जो बनी हुई है, तो देखना होगा कि किस तरह से स्थिति से निपट पाते हैं। हालांकि कोशिश पूरी की कहीं से भी कोई भी खबर यहां पर ना आए। और आगरा का यहां पर रुक कर लेते हैं। आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव चौहान यहां पर बने हुए हैं। शिव, दिल्ली में हिंसा हुई तीन दिन तक, हमने देखा कि माहौल कितना डरावना था, लोग कितने डरे हुए थे, लेकिन अब लोगों के अंदर फिर से वो डर पैदा ना हो, इसको लेकर एक कोशिश वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कठिन परीक्षा का दिन है क्योंकि जुमे की नमाज भी होनी है और दिल्ली और आगरा से सटे अलीगढ़ में हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसमें पुलिस पहले से तैनात की गई है। पुलिस कई दिनों से सर्चिंग कर रही थी ड्रोन के द्वारा कि किसी की छत पर पत्थर ना हो, और मुनादी कराई गई कि सभी लोग जुमे की नमाज पर ही घर से बाहर निकले, कोई बाहर ना निकले, क्योंकि पिछली बार जब CAA बिल एक्ट लागू हुआ था फिरोजाबाद में आगजनी और हिंसा हुई थी, और आगरा में पुलिस ने पूरी शांति व्यवस्था रखी और उसी शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस यहां मेहनत कर रही है। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसमें पैदल मार्च कर रही है, कहीं ना कहीं इस बार भी शांति व्यवस्था के दावे कर रही है कि इस बार भी शांति व्यवस्था पुलिस रखेगी, और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसमें अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जी ऋतु, बिल्कुल शिव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी यहां पर बने हुए हैं। अपर्णा दिल्ली से बनी हुई है, इसके साथ ही आदित्य द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अपर्णा, आपका रुख करना चाहेंगे, तीन दिन तक हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह की हिंसा हुई, हालांकि ऐन वक्त पर मोर्चा अब संभाल लिया गया है, दो दिन से कहीं से भी कोई तनाव की खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन आज चुनौती की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी यहां पर पुलिस प्रशासन के लिए। कौन से ऐसे इलाके जो संवेदनशील हैं जहां पर ज्यादा सुरक्षा बरती जा रही है? देखिए, अभी मैं मौजपुर इलाके में खड़ी हुई, मौजपुर से इलाके से सटे हुए गोकुलपुरी इलाके में, और यहाँ पर वजीराबाद और यहाँ पर सीमापुरी इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, यहाँ पर पहले कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें, आज जुम्मे की पहली नमाज है हिंसा के बाद, इसलिए सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े इंतजाम किया गए हैं। यहाँ पर पूरे दिल्ली में करीब 45 कंपनियों को सुरक्षा बल में तैनात किया गया है। साथ ही आपको बता दें, SIT की जो टीम है उसको गठित किया गया, दो जगहों पर ये टीम गठित की गई है, उन टीमों को DCP लेवल के अधिकारी देख रहे हैं, और साथ ही चार ACP है जो SIT की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ मौजपुर इलाके में अभी SSP के जवान तैनात है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सामान्य सारी चीजें हैं जो देखी जा सकती हैं, लोग आवाजाही निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो जुम्मे की नमाज के लिए धारा 144 की छूट दी गई है, यहाँ पर सुबह दी गई थी 4 बजे से लेके 12 बजे तक, अब दी जाएगी 12 बजे से 4 बजे तक, ताकि लोग दुकानें खोल सके और नमाज अदा आराम से कर सके, जिससे यानी कि सीधे तौर पर पढ़ना कह सकते हैं अच्छे से नमाज पढ़ सके। साथ ही नजर भी रखी गई है, कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अपर्णा, फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ आगरा से हमारे सहयोगी शिव चौहान यहाँ पर बने हुए थे। शिव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ का रुक कर लेते हैं, लखनऊ से आदित्य द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, यूपी में भी अलर्ट यहां पर रखा गया है, दिल्ली में हालांकि हमने देखा कि कितनी ज्यादा हिंसा वहां पर हुई थी, लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल यूपी में भी हाई अलर्ट, वहां पर किस तरह की तैयारियां?
ऋतु, जैसे ही दिल्ली में हिंसा जारी हुई थी वैसे ही यहाँ पे योगी सरकार ने एक्शन के मूड में आ गई थी। तुरंत ही यहाँ से स्पेशल ऑफिसर्स उन सभी संवेदनशील जिलों में भेज दिए गए थे जहाँ पर दंगा होने की या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंकाएं थी। तो योगी सरकार ने एहतियातन कदम पहले ही उठा लिए थे। इसके अलावा आज दिल्ली में हिंसा के बाद पहली जुमे की नमाज होगी, इसको देखते हुए सुबह से ही पुलिस अलर्ट मूड पर है। आज सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स उन मिश्रित आबादी में भेज दिए गए हैं जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की उम्मीदें हैं। इसके अलावा दो दिन पहले से ही बैठकों का दौर चालू हो गया था। थाना स्तर से शांति समिति की बैठक हुई थी जिसमें सभी समुदाय के लोगों को बैठाल करके बातचीत की गई थी और उनको समझाया भी गया था कि किसी भी सूरत में यदि हिंसा होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी भी सदन के अंदर सदन के बाहर हर मंच पर मैसेज दे रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा उपद्रव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के मैसेज साफ है, पुलिस फोर्स अलर्ट मूड पर है, हाई अलर्ट पर यूपी के कई जिले आ चुके हैं, उनमें पूरी रिपोर्टिंग ली जा रही है, 24 घंटे रिपोर्टिंग ली जा रही है। पुलिस के जो आला अफसर हैं वो भी रिपोर्टिंग ले रहे हैं। इसके अलावा शासन के आला अफसर भी लगातार शांति बनी रहे इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, सारी कोशिशें कर रहे हैं, कहीं कोई चूक ना होने पाए इसकी कोशिश लगातार जारी है। जी प्रीति, बिल्कुल। आदित्य, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं डरावनी बनी हुई थी वो फिलहाल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ना किसी तरह से स्थिति को काबू कर लिया जाए। और जैसे कि आपने कहा कि योगी सरकार भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है और ऐसा कोई भी मौका अब यहाँ पर नहीं गंवाना चाहते कि स्थिति गंभीर हो और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल यहाँ पर उठे। मेरठ का रुख कर लेते हैं, मुनव्वर चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मुनव्वर, वहां पर किस तरह के हालात है? जुम्मे की नमाज है और जिस तरह से हाई अलर्ट रखा गया है, कितनी कंपनियां वहां पर तैनात और मेरठ के ऐसे कौन से इलाके जहां पर अगर स्थिति बिगड़ी तो हिंसा की खबरें आ सकती हैं, वहां पर ज्यादा चौकन्नी यहां पर पुलिस दिख रही है? मुनव्वर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक हमारी? तो चलिए, लगता है कि मुनव्वर तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर हमारे जो संवाददाता है वो बने हुए हैं और वहां की फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, कितनी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है और कितनी चौकन्नी पुलिस वहां पर दिख रही है, उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। तो दिल्ली में हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद तमाम और शहरों में भी जो अलर्ट है वो रखा गया है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है और ऐसे में स्थिति कहीं भयावह और ना हो जाए, इसको लेकर पहले सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो दिल्ली का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारी सहयोगी अपर्णा बनी हुई है। अपर्णा, तीन दिन तक हिंसा हुई, हालांकि दो दिन से ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं जहां पर तनाव की स्थिति हो, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि अगर असल जगह पर जाके, ग्राउंड जीरो पर जाके अगर हालातों को देखें, अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप वहां पर मौजूद हैं, दिखाएं वहां का नजारा, किस तरह से पुलिस बल तैनात है, क्या लोग अब डर के साए से बाहर निकल रहे हैं, क्या अपनी सामान्य जिंदगी को जी रहे हैं वहां पर? देखिए, लोगों की आवाजाही तो लगातार सुबह से ही जारी है, हालांकि सामान्य स्थितियां बनी हुई हैं, पर मैं आपको आज जुम्मे की नमाज का आज पहली नमाज है स्कूल में आप दिखाना चाहती हूँ। पीछे का दृश्य आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर करीब 45 कंपनियां हैं जो तैनात की गई हैं। आप यहाँ पर देखिए कि हर तरीके से चौक चौबंद व्यवस्था करी गई है। साथ ही हम यहाँ पर हमारे साथ एक सर हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। सर, यहाँ पर जुम्मे की नमाज आज पहली नमाज है हिंसा के बाद, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरे सुरक्षा के इंतजाम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, सुरक्षा को चाक चौबंद रखा गया है हर तरीके से। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सुरक्षा कड़ी की गई है क्योंकि यहाँ पर मौजपुर इलाके का जो चौराहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ पर गोकुलपुरी इलाका है, यहाँ पर वजीराबाद है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलात हुए थे उस टाइम दिल्ली हिंसा में, काफी आगजनी भी हुई थी। इसको देखते हुए आज सुरक्षा बहुत ज्यादा तैनात की गई जिससे कि कोई इधर उधर स्थितियां न बन सके और तरीके से सामान्य चीजें रह सके। इसलिए बिल्कुल अपर्णा जुड़ेंगे एक बार फिर से आपके पास। मुनव्वर का रुख कर लेते हैं। मुनव्वर हमारे साथ मेरठ से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मुनव्वर, आप बताइए वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले
पहले बता दूं, दिल्ली हिंसा के बाद ये पहला जुमा है और ये मेरठ के लिए पहला नहीं है। हालांकि मेरठ में 20 दिसंबर जो कि जुमे का दिन था, हिंसा हुई थी, 5 लोग मरे थे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो लगातार प्रोटेस्टकारी थे वो आंदोलित हो गए थे, लेकिन इस बार दिल्ली की हिंसा के बाद ये पहला जुमा है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। कई कंपनियां पीएसी की हैं, रेपुटेशन फोर्स है। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है वो कई दिनों से फ्लैग मार्च निकाल रहा था, फुट पेट्रोलिंग कर रहा था, जो पुलिस मित्र है वो लगे हुए हैं और यहां तक कि जो मुस्लिम धर्म गुरु है वो लगे हुए हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार जुमे को शांति व्यवस्था के साथ निपटा लिया जाए, क्योंकि जो अकीदतमंद है बड़ी तादाद में वो जुमा पढ़ने के लिए निकलते हैं और चंद ही घंटों बाद जो जुमा पढ़ने के लिए अकीदतमंद पहुंचेंगे उनके लिए पुलिस प्रशासन हर मस्जिद पर तैनात किया है। खासकर मेरठ के अंदर 33 पॉइंट है। जी जी, मुनव्वर मुमकिन हो पाए तो आप वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे बात करिए, जानिए उनसे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, कितने जो बल हैं वहां पर तैनात किए गए हैं, और जरा वहां नजारा भी दिखा दीजिए कि किस तरह से आवाजाही को लेकर भी, जिस तरह से रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग्स लगाकर तमाम आने जाने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। देखिए, इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं ये है जाकर टोली चौकी, ये वही चौकी है जिसे चंद कदमों की दूरी पर हिंसा हुई और 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है, दिन हो या रात हो यहाँ पर इनको लगाया गया है। बैरिकेडिंग की अगर बात की जाएगी, पीछे देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है और आप सीधे मेरे पीछे कैमरे में दिखाएं, ये हापुड़ रोड है, सबसे प्रभावित इलाका माना गया है। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है फिलहाल हटाए गए हैं, चूंकि जुमे की नमाज होनी है, इस नमाज को लेकर फिलहाल बैरिकेडिंग हटाए गए हैं। धारा 144 पर डे मेरठ के अंदर लगी रहती है और धारा 144 के चलते कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है और कोई 4 लोगों से अधिक नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरठ में लगातार हिंसा होती रहती है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI, ये दोनों संगठन ऐसे हैं जो काफी सेंसिटिव है। पुलिस ने इनके लोगों को जेल भेजा है, फिलहाल पुलिस इन लोगों पर निगाह बनाए हुए है, क्योंकि आज इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट है कि मेरठ में कुछ भी हो सकता है। ऐसे पुलिस एडीजी प्रशांत कुमार ने तमाम जिलों के SSPs को निर्देशित किया है कि वो निगाह बनाए रखे। खुद भी एडीजी प्रशांत कुमार मेरठ में चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग करते देखे गए हैं, पैदल मार्च करते देखे गए हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां वहां पर जो कानून व्यवस्था को बेहतर करे उसकी होती हुई यहां पर दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ हमारे सहयोगियों का जो जुड़े।